डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग आम आदमी से कुछ अलग होती है। दवाइयों के नाम कुछ इस प्रकार लिखे होते हैं कि आपको समझ ही नहीं आते हैं और कई बार भरकस कोशिशों के बाद भी इसे समझ पाने में आप असफल रहते हैं। किसी को भी डॉक्टर की हैंडराइटिंग में लिखे प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां पढ़नी नहीं आती हैं। आखिर क्यों इतने पढ़े लिखे मैट्रिक पास डॉक्टरों की हैंडराइटिंग इतनी बेकार होती है? आपको बता दें, एक महिला डॉक्टर से पूछा था कि हर डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में इतनी अजीब हैंडराइटिंग क्यों लिखते हैं, तो उनका कुछ ये जवाब था, डॉक्टरों ने डॉक्टर बनने से पहले बहुत मेहनत की है, उन्होंने कम समय में बड़े बड़े एग्जाम कंप्लीट किए हैं और इसी कारण समय बचाने के चक्कर में वो हमेशा बहुत ही तेजी से लिखते हैं, जिस कारण उनकी हैंडराइटिंग इतनी बुरी हो गई है कि अब लोगों के समझ में ही नहीं आती है। महिला डॉक्टर ने बताया कि यदि आप भी तेजी से लिखना शुरू करेंगे तो आपको अंदाजा होने लग जाएगा कि कौन सी दवाई का नाम क्या है और उसे कैसे लिखा जाता है। आप जब कभी किसी केमिस्ट को अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे तो झट से आपको नाम पढ़ के बता देगा। इसके पीछे सिंपल सा फंडा ये है कि केमिस्ट और डॉक्टर दोनों को ही दवाइयों के नाम का पहले से ही अंदाजा होता है कि कौन सी बीमारी के लिए डॉक्टर ने कौन सी दवाई लिखी है। मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया यानी MCI के तहत सभी डॉक्टरों को ये गाइडलाइन दी जाती है कि अपने प्रिस्क्रिप्शन में उन्हें सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर्स में लिखना पड़ेगा और उन्हें पूरी तरह से अपने मरीज को एक्सप्लेन करना होगा कि कौन सी दवाई किस बीमारी की है और इसका क्या नाम है। X9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।